हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला आइडियम है टू स्टिक वंस नेक आउट। इफ़ यू स्टिक योर नेक आउट, मतलब अगर आप अपनी गर्दन बाहर निकालोगे, इफ़ यू स्टिक योर नेक आउट देन यू आर टेकिंग अ रिस्क। ओके, सो इफ रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, बियर द पाम, बी विक्टोरियस। देर इज़ नो वे टू रिमेंबर दिस, सो ट्राई टू क्रैम इट। इसको याद ही करना पड़ेगा। बियर द पाम मतलब बी विक्टोरियस। जैसे आप देख सकते हो, अगर कोई जीत जाता है तो अपने हाथ हथेली दिखाता है ना, ऐसे करके, तो बी विक्टोरियस। ट्रीड अपॉन अदर्स टो, देखो अगर आप, इफ़ यू आर ट्रीडिंग अपॉन अदर्स टो देन ही विल बी हर्ट। अगर आप किसी के अंगूठे पे चढ़ जाओ तो उसको दर्द होगा, तो इट मीन्स यू आर हर्टिंग हिज फीलिंग। नेक्स्ट इज कॉक ऑफ द वॉक। सी, हैन होती है और कॉक होता है। हैन चलती है लेकिन हम कॉक को कम चलते हुए देखते हैं, सो वी ऑफन सी लेस हिम। सो कॉक, इफ द कॉक इज़ वॉकिंग देन ही इज़ डोमिनेटिंग, सो कॉक डोमिनेट्स, रिमेंबर दिस। सो वन हु डोमिनेट्स अ ग्रुप और सिचुएशन। नेक्स्ट, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, दिस वन इज़ गुड। सी, इन द ओल्ड टाइम्स वी यूज हॉर्सेज, ओके, इन द ओल्ड टाइम्स वी यूज हॉर्सेज फॉर सेंडिंग मैसेजेस। सो वट एवर मैसेज कम फ्रॉम हॉर्सेज थ्रू हॉर्सेज इज़ रिलायबल। सो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मीन्स, अगर आप जैसे पुराने ज़माने में घोड़े से भेजे जाते थे मैसेज, तो जो घोड़े से मैसेज आते थे वो रिलायबल होते थे। तो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मीनिंग होता है फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। ओके, मतलब ऐसा जिस पर आप भरोसा कर सको। रिलायबल माने ऐसा जिस पर आप भरोसा कर सको, ठीक है। तो स्टिक वंस नेक आउट मतलब अगर आप अपनी गर्दन बाहर निकालोगे तो यू आर टेकिंग अ रिस्क। नेक्स्ट इज बियर द पाम मीन्स बी विक्टोरियस। अगर आप अपनी हथेली हिलाते हुए दिखाते हो, उसका मतलब आप अब जीत चुके हो। ट्रीड अपॉन अदर स्टो मतलब अगर आप किसी के अंगूठे पे चढ़ जाओगे तो उसको दर्द होगा, इसका मतलब आपने उसकी फीलिंग को हर्ट कर दिया। तो ट्रीड अपॉन अदर स्टो का मतलब हर्ट वंस फीलिंग। कॉक ऑफ द वॉक, तो कॉक इज वॉकिंग, इट मीन्स ही इज डोमिनेटिंग। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, मैंने बताई दिया। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।